नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारत के खिलाफ करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न सिर्फ मैदान पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी निशाना बनाया जा रहा है। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए उसे 9 विकेट से मात दी, जिसके बाद टॉप बल्लेबाज बाबर आजम पाक क्रिकेट प्रेमियों के निशाने पर आ गए। दरअसल पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमाल बैटिंग करते हुए पिच पर फिसल गए और उन्हें LBW करार दिया गया, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े बाबर आजम ने उन्हें रिव्यू लेने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में साफ हुआ कि फखर आउट नहीं थे और बॉल उनके हाथ में लगी थी। अगर बाबर उन्हें रिव्यू की सलाह देते तो पाकिस्तान के विकेट का पतन नहीं होता। फखर 31 रन बनाकर आउट करार दिए गए थे। दूसरी ओर फॉर्म में चल रहे बाबर खुद भी 9 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। इससे पहले उन्होंने फखर जमाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़े थे। अगर इन दोनों की जोड़ी कुछ ओवर मैदान पर जम जाती तो पाकिस्तान की ऐसी हालत न होती। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस जमकर बाबर को लताड़ रहे हैं और उन्हें 2 विकेट गिराने का जिम्मेदार भी मानते हैं।